हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसे प्रोडक्ट को लेके आया हूँ जिसे आप मार्केट में किसी भी रेट में बेच सकते हैं। मतलब मैक्सिमम आप इसे ₹5 तक बेच सकते हैं। अगर आप इसकी और अच्छी क्वालिटी लेते हो तो आप इसे और ज्यादा भी बेच सकते हो। ये मार्केट में ₹2 से लेके ₹50-60 तक बिकता है। तो दोस्तों आप इसको किसी भी रेट में बेच सकते हो, जिस रेट में आपको मिले, जिस तरीके से मिले, बस वो डिपेंड करता है। तो आपकी पैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसमें किस तरीके से पैक करते हो, किस तरीके से मार्केट में पेश करते हो, उस तरीके से ही ये आपका बिकेगा। पहला बिकेगा क्वालिटी के ऊपर, दूसरा बिकेगा पैकिंग के ऊपर। जिस तरीके की आपकी पैकिंग होगी, जिस तरीके की आपकी क्वालिटी होगी, उस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट बिकने वाला है। दोस्तों ये प्रोडक्ट ऐसा है, अगर आपने इसका काम शुरू कर लिया और आपकी क्वालिटी मार्केट में सेट हो गई, मार्केट में आपकी क्वालिटी पसंद आ गई, तो दोस्तों आप ये माल बाहर से मंगवाते मंगवाते थक जाओगे। आपको खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी पड़ेगी, तब भी आप इसका माल पूरा नहीं कर पाओगे। ये प्रोडक्ट ऐसा है, अगर आपका ये बिजनेस सेट हो जाता है तो आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। आपको लाखों रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपका ये प्रोडक्ट सेट हो जाता है। तो आपको सिर्फ इसे मार्केट में एक अच्छी पैकिंग के साथ मार्केट में पेश करना है। जिस तरीके से आप इसे पेश करोगे उस तरीके से ही आपका माल बिकेगा। इस प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल में बताने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करोगे तो दोस्तों एक वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों मेरी वीडियो डेली 5:15 बजे आती है, आप अपना टाइम सेट करके उसे देख लिया करो। आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं नए नए प्रोडक्टों को मॉडिफाई करके आपको बताता रहता हूँ। दोस्तों अगर आप उस तरीके से नहीं कर सकते तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। एक आइडिया लगना भी बहुत बड़ी बात हो। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये क्या प्रोडक्ट है और आपको इसे किस तरीके से पैक करना है। ये देखिए, ये मफिन्स है। जो मफिन्स छोटे वाले केक होते हैं ना खाने वाले, वो है ये। आपको इस तरीके के मफिन्स मार्केट से ले लेने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा लो क्वालिटी है इसलिए मुझे मार्केट से ₹1 का मिला है। दोस्तों ये 250 पेड़ की पेटी है जो मुझे मार्केट से मिली है। इसके लिए आपको ये नहीं है कि आपको कहीं बाहर से मंगवाना पड़ेगा। अगर आप इसे बाहर से मंगवाओगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि उसमें आपका कूरियर चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज ज्यादा लग जाएगा। आपको इसे अपने नियर बाय कोई बेकरी वाले होंगे जो ये मैन्युफैक्चरिंग जिसकी करते होंगे, उनको कॉन्टेक्ट करना है और उनसे माल बनवाना है। मान लो दोस्तों ये आपको ₹1 ना मिले, आपको जिस भी रेट मिले, अगर आपको ये ₹1 मिल जाता है तो आपको इस तरीके के जार में पैक कर लेना है। आप इसे जार में पैक करोगे, इसमें आपको 50 पीस पैक करने हैं। 50 पीस आप इसके अंदर पैक करोगे तो ₹100 का माल हो जाएगा। ₹100 का माल आपने इसके अंदर पैक किया, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसे मार्केट में ₹80 में सेल करना है। ₹1 का ये, 20 पैसे का आपका जार, ठीक है। ₹1, 20 पैसे आपके 50 पीस के हिसाब से टोटल को ₹60 की हो गई। आपको इसे मार्केट में ₹80 में सेल कर देना है, ठीक है। दोस्तों एक तो तरीका हो गया आपका ये। अगर दोस्तों आप इसके, इसे एक पाउच के, छोटे पाउच आते हैं मफिन्स के, वो मुझे अभी तो मार्केट में मिले नहीं, अगर मेरे को मिलते हैं तो मैं आपको वीडियो बना के उसमें भी दिखा दूंगा। आपको पाउच लेने मफिन्स के छोटे, ठीक है, उनके अंदर इसे डाल के सीलिंग मशीन से सील कर देना है। उसके बाद आपको एक जो गत्ता होता है, इस तरीके के गत्ते के जो बॉक्स आते हैं, उन वैसे बॉक्स आपको बनवाने, अगर बने बनाए मार्केट से मिल जाते हैं तो आपको वो ले लेने हैं। बनवा के आपको ये उसके अंदर डाल के 30 पीस, मतलब फिर ये आपका बिकेगा। अगर आप पाउच के अंदर देते हो और इसकी क्वालिटी थोड़ी और बढ़ा देते हो तो दोस्तों आपका ये ₹5 में बिकेगा। अभी अगर आप इसे जार में पैक करते हो इसी क्वालिटी में तो ये आपका ₹2, ज्यादा से ज्यादा ₹3 का बिक जाएगा। अगर आप इसे पाउच के अंदर पैक कर देते हो तो ये आपका ₹5 का बिक जाएगा। तो दोस्तों ये मफिन्स का खेल ही ऐसा है, जिस तरीके की पैकिंग आप मार्केट में दोगे उस तरीके से ही आपका बिकेगा। ये बहुत तेजी से सेल होने वाला प्रोडक्ट है। दोस्तों ये प्रोडक्ट एक बार जिस दुकान पे आपने रखा, जो और माल मार्केट में एक एक हफ्ते में खत्म होते होंगे, एक हफ्ते में 3-4 डब्बे खत्म हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, अगर आप इसको करते हो
तो आपको सिर्फ फायदा ही फायदा होने वाला, और इस बिजनेस को करके आप लाखों रुपए कमा सकते हो। अगर आपके पास में कोई मैन्युफैक्चर मिल जाता है तो दोस्तों आप बहुत कम पैसे में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से आपको भी अपना बिजनेस शुरू कर लेना है। दोस्तों इनकी सेल्फ लाइफ जो होती है वो ज्यादा नहीं होती, मैक्सिमम ये 1 से 2 महीना होती है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता पर 1 से 2 महीना होती है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा आपके अगर नियर बाय में ये प्रोडक्ट मिलता है तो आपको बिजनेस करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। और दोस्तों आपको इसके लिए फूड लाइसेंस भी लेना होगा, FSSAI वाला, ठीक है। और दोस्तों साथ में आपको GST नंबर भी लेना होगा। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहो। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।